सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं हनुमानगढ़ राजस्थान। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक झींगा फार्म है और लगभग 8 बीघे में ये झींगा फार्म है। और जो यहाँ के ऑनर हैं, मतलब स्टार्टअप ही सीधा 8 बीघे से कर दिया। और उन्होंने इनका जो स्ट्रगल है, मतलब बहुत स्ट्रगल किया। जैसे कि मैं नाइट स्टे में यहाँ रुका था, सर के साथ मेरी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि मैं फार्मरों के पास गया और सीखा और एक बार में ही 8 बीघों में झींगा फार्म स्टार्ट कर दिया। तो कैसे इन्होंने किया, कैसे प्लान किया, कैसे किया, सारा कुछ इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले अपने बारे में छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय बेनीवाल जी, राजस्थान हनुमानगढ़ से। अच्छा, ढाई मेरा गाँव है। अच्छा, तो सर आपको ये झींगा पालन की सीख कहाँ से मिली कि झींगा पालन ही करना है? काफी देखा, काफी सुना, इधर उधर देखा सुना पहले, तो फिर लगा देखना चाहिए। अच्छा, सोच रखा था कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ बड़ा करें, तो इसलिए गए काफी जगह देखे, फिर अच्छा लगा कि करना चाहिए, झींगा पालन ही करना है। आपने पूरा डिसाइड किया तो आप फर्स्ट टाइम में ही झींगा पालन ही कर रहे हैं? इसके पहले कोई बिजनेस आपने नहीं किया? नहीं, बस खेती, अपनी खेती बाड़ी है वो संभाल रहे हैं। वकील, आप खेती बाड़ी में क्या करते हैं? खेती बाड़ी में ये कपास है, नरमा, ये गेहूँ हो गया बस। अच्छा, ये जो आपका ये झींगा पालन है, आपकी नई साइड हो गई ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नई साइड। अच्छा जी, सर जैसे कि आपने बताया लगभग 8 बीघे में आपने झींगा फार्म है, तो आपने डायरेक्ट 8 बीघे में ही क्यों स्टार्ट कर दिया? 1 बीघे में आप कर सकते थे? नहीं नहीं, इन्वेस्ट जैसे मान लो सब लग जाता है इतना ही, जितना हम सोचते हैं कि 2 जनरेटर चाहिए, लाइट का कनेक्शन चाहिए, लेबर चाहिए, जितना भी कुछ है, तो बीघे में कुछ बनता नहीं है। अच्छा, कितना प्रॉफिट नहीं होता, तो काम बड़ा बढ़िया रहता है, उसमें बढ़िया प्रॉफिट होता है, बढ़िया प्रॉफिट होता है। जैसे आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कराया रहने के लिए और जो तालाब का कंस्ट्रक्शन करवाया, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने गलतियां कर दी यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, अभी तक मैंने अपना बेस्ट दिया है, मेरे को नहीं लगता मेरे अभी तक कोई गलती की। आगे कुछ नई टेक्निक आ जाए उसका कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा, अभी जो चल रहा है फिलहाल वो बेस्ट है। अच्छा, फिलहाल आपको सही लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने गलती कर दी है, तालाब को ऐसे ढलान करना था, ऐसे बनाना था, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? जी, जैसे कि मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ 4 लेबर वर्क करते हैं और आप उनके साथ लगे रहते हैं, ये बड़ी बात हो गई सर। जैसे आप एक युवा ही हैं और एक युवा का सपना रहता है गर्ल गर्लफ्रेंड के साथ जाना, घूमना, डेट पे जाना, तो ये ऐसा क्यों आपने छोड़ दिया, फार्मिंग में लग गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शर्म नहीं होती, अपना काम है, खुद का काम है। अब खुद के काम बिजनेस पे अगर हम खुद नहीं करेंगे तो लेबर, और मैं ऐसे सोचते हूँ कि लेबर को रखें और पैसा कमा के दे, पैसे से कुछ नहीं होता। मेहनत तो खुद को झोंकना पड़ता है, तभी सक्सेस मिलती है। बिल्कुल, जैसे मैं देख रहा था नाइट में कि आप देख रहे थे एरिएटर कौन सा चल रहा है और किसमें क्या समस्या है, मतलब लेबर के साथ जा जाके मैनेज कर रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ आपको कहाँ से मिली कि मुझे लेबर को सिखाना है और लेबर के साथ मिलके काम करना है, ऐसा कैसे हो गया सर? आप मिलके सारा कुछ काम करने लगे? ठीक, इसीलिए ने भी इतना बड़ा मोटा पैसा लगाया, अगर हम खुद सोते रहेंगे इसी में जाके तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। हाँ सही बात है, यही था स्टार्टअप में कि खुद करेंगे जितना हो सकता है, अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वही चलते हैं, सारा कुछ आपसे जानकारी लेते हैं। तो लगभग आपका मैं जो फार्म देख रहा हूँ, लगभग कितने क्षेत्रफल में होगा ये? 8 बीघे का है। 8 बीघे का है, जैसे आपने बताया लगभग 8 बीघे में आपके तालाब बने हुए हैं, तो लगभग एक तालाब की मैं आकार की बात कर लूँ, सेप की बात कर लूँ, तो लगभग कितने सेप में होगा ये? 200x200 का है। 200x200 का है, मतलब 200 फुट लंबा, 200 फुट चौड़ा। अच्छा जी, तो आपने ऐसा डिजाइन किया या कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया झींगा पालन के कि इतने तालाब होने चाहिए, इतने इतने बड़े होने चाहिए, ऐसे इतनी गहराई के होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, घूमे देखे, जहाँ देखे, तो यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली कि बेस्ट से बेस्ट करने का, जो हमने अपनी तरफ से किया वो बेस्ट से बेस्ट किया है। अच्छा अच्छा, कि जो सब निष्कर्ष निकाले, कौन सा तालाब हमने लंबे भी देखे, चौड़े भी देखे, सब तरीके से देखे, डॉक्टरों से भी बात की, सबका सजेशन लेके इसी भी 200x200 बेस्ट साइज है इसका। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? इसकी, इसको ऐसे बनाया हुआ है थोड़ा, इसकी गहराई जैसे बीच में ज्यादा है, लगभग 6 फीट है, और यहाँ से लगभग 5, 4.5 फीट। अच्छा, जो आपने सेप दिया ऐसे दिया? ऐसे दिया इसको, मतलब बीच में गहराई, फिर इस पर ऐसे ऐसे ऊंचाई करके ऐसे ढाल दिया? हाँ ढाल दिया है। अच्छा, इससे क्या प्रॉफिट होता है? इससे क्या होता है, ये अपने देख ले, ये फीड लाइन इधर इसकी फीड डालते हैं और इसमें क्या गंदगी होती है एरिएटर से, वो बीच में चली जाती है सारी। अच्छा, तो तालाब तालाब साफ रहता है, सलज सारा बीच में चला जाता है। अच्छा, इसके बीच में सेंटर पाइप लगी हुई है। अच्छा अच्छा, वो नीचे से गाड़ के बाहर निकाली हुई है। अच्छा अच्छा, उसमें बाल लगे हुए हैं, वो बाल खोल देते हैं तो सलज, मोटा मोटा सलज बाहर निकल जाता है। अच्छा, जो आप इसके जो तालाब बने हुए हैं उनके उनके नीचे अंडरग्राउंड पाइप लगे हुए हैं? पाइप लगे हुए हैं। अच्छा, तो उसका जो है आपका वेस्टेज वो निकल जाता है? वेस्टेज निकल जाता है। हाँ, तो कैसे प्लान हुआ आपका कि सारे नीचे वायरिंग करें, मतलब बड़ा लंबा खर्चा होता है ना इसमें? तो बिल्कुल बिल्कुल होता है, प्लान किया सभी तो भी बेस्ट से बेस्ट करें, यही बोल रहा हूँ मैं बार बार की अभी यही देखा पूछा किसी से तो भी इतना करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ये सिस्टम आपके लिए। तो अभी तक आप अपने फार्म में लगभग कितना इन्वेस्ट कर दिए हैं? अभी मोटा मोटा हमने मान के चला है, हम
स्ट्रक्चर अपने मकान अपने नहीं जोड़ेंगे, वो अपना रहने का है। हम इस झींगा इसके रिलेटेड हमने मेरे को लगभग मोटा मोटा आइडिया 70 लाख रुपए इन्वेस्ट, 70 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया तालाब वाला बनाने में। और ये जनरेटर, ये जो लगे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, एरिएटर, एरिएटर लगाने में, ये कागज पी लाइनिंग करने में कागज लगाया है। जैसे कि आपने ये पूरे तालाब में देख रहा हूँ, आपने पूरे में पॉलीथीन लगाया है, प्लास्टिक का उपयोग किया, तो ये क्यों किया है? अभी पंजाब में हरियाणा में देखते हैं जमीन पक्की है, वहाँ पे होता है पानी रुक जाता है वहाँ पे, यहाँ पे एक तो पानी रुकने की भी थोड़ी समस्या है। अच्छा, एक बात ये पी लाइनिंग का झींगा क्लियर होता है, साफ होता है, मैंने जहाँ भी देखा है। अच्छा, लेने में व्यापारी हिचका जाते नहीं, दौड़ के इसको लेते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पी लाइनिंग की। अच्छा अच्छा, उसमें थोड़ा सा झींगा दिखने में साफ नहीं दिखता, तो मेरे को पी लाइनिंग का सही लगा मैंने। कलर इसका अच्छा रहता है अगर आप प्लास्टिक लगाते हैं? हाँ बिल्कुल, ग्रोथ इसमें अच्छी आती है, इसमें जो भी मिनरल्स पोटास प्रोबायोटिक्स डालते हैं वेस्टेज नहीं डालता। अच्छा, वेस्टेज कुछ नहीं जाता। अच्छा जी, सर जैसे कि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कत है, तो इसका भी एक रीजन है क्या जो आपने पूरा प्लास्टिक लगा रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है कि रिसाव का ये मेन कारण तो यही है। अच्छा अच्छा, पानी नहीं रुकता है। अच्छा, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपके पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं? पानी के बोरवेल कराया हुआ, सोर्सेज वही है, इसको खारा पानी चाहिए। अच्छा, खारा पानी चाहिए श्रिम्प फार्मिंग के लिए? हाँ, श्रिम्प फार्मिंग के लिए, सी फूड ये समुद्री होता है इसलिए खारा पानी चाहिए। अच्छा, जो यहाँ का पानी है वो खारा ही है? खारा ही है, इसकी सैलिनिटी 14 पे काम कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, इसकी हार्डनेस 3.5 से 4.5 हजार। अच्छा, और यही पोटास इसकी 79। अच्छा, जैसे आपने सिर्फ फार्मिंग करने का मूड बनाया, तो क्या आपने जमीन जो आपके यहाँ के तालाब हैं उनकी मिट्टी की जांच करवाई, पानी की जांच करवाई, कुछ ऐसा किया गया? मिट्टी की कोई जांच की जरूरत नहीं होती, पानी सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पानी है। पानी की जांच करवाने के बिना हम स्टेप ले ही नहीं ले सकते। अच्छा, पहले पानी की जांच करवानी है फिर आगे बढ़ना है। हाँ, पहला स्टेप पानी, अगर पानी अपना बेकार है तो अपन सोच ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा श्रिम्प फार्मिंग की ओर। जैसे कि आपने श्रिम्प फार्मिंग का पूरा प्लान किया, तो आपको जो है श्रिम्प फार्मिंग के बच्चे जो होते हैं, जो सीड्स बोलते हैं, सीड्स आपको कहाँ से मिले? हमें हमारे डॉक्टर हैं उनसे, उन्होंने अवेलेबल कराया हमको। अच्छा, ये पोंडुचेरी से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लगभग जैसे आपके तालाब 200 बाई 200 के हैं, तो एक पाउंड में आप कितने श्रिम्प डाल सकते हैं? 200 बाई 200 में समथिंग हमने 1.5-1.5 लाख बच्चा डाला है। 1.5-1.5 लाख बच्चा डाला है। कुछ ऐसा रहता है क्या इसका अनुपात, कितने अनुपात में बच्चे डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी? हाँ, नहीं तो नहीं होगी। वो तो होता है, बिल्कुल होता है, वैसे 1 लाख से ऊपर ही है इसके अंदर। अच्छा, 1 लाख डालते हैं आप? डर था कि उसका वो सर्वाइवल ना कर सके। अच्छा अच्छा, सर्वाइवल का डर था। हमने 2-4 डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं आप 1.5 से ऊपर डाल नहीं सकोगे। तो 1.5 लाख बच्चे आपने डाल दिया हमारा सर्वाइवल इसमें। अच्छा अच्छा, आपने ऐसे 1.5 लाख बच्चा डाल दिया। सर्वाइव का डर होता है इसमें, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे 1.5 लाख बच्चा लग गया तो लगभग ऐसा नहीं होता कि 1.5 का 1.5 लग जाए। अच्छा, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि 1.5 लाख बच्चा लग जाए, लगभग लाख से अगर 90-80 हजार भी बच्चा लग जाए तो उसको बेस्ट मानते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ, वो बढ़िया चलता है, 200 बाई 200 में 90-80 हजार बच्चा उसको बढ़िया मानते हैं। लगभग क्या रेट में मिल जाता है आपको ये श्रिम्प सीड्स? ये मान के चलो 65 पैसे का बच्चा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से। 65 पैसे का एक बच्चा? अच्छा, केजी में आता होगा, केजी में गिन लेते होंगे पर पीस? अच्छा, तुमने काउंटिंग जैसे? हाँ, काउंटिंग के हिसाब से चलता है। काउंटिंग के हिसाब से कर लिया, फिर उसके बाद अपना केजी में दे दिया। सर, आप झींगा को फीड कितने टाइम खिलाते हैं और कितनी बार खिलाते हैं, कितनी मात्रा में खिलाते हैं? देखो जी, हम 4 बार फीड खिलाते हैं। अच्छा, और मात्रा इसके ग्रोथ के हिसाब से मात्रा होती है, अभी कितना ग्रोथ पे है, क्या कितना फीड डालें। अच्छा, अभी हमारा 20 केजी टाइम से चल रहा है फीड। अभी 25 ग्राम से ऊपर है झींगा। अच्छा, तो 20 किलो टाइम का चल रहा है, एक पौंड में 80 केजी फीड जा रहा है। अच्छा, तो कैसे आपको पता चलता है कि ग्रोथ हो, कैसे चेक करते हैं आप, कैसे अनुपात मिलाते हैं दाने का, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसका हम जैसे वेट करते हैं 7-7 दिन से, हाँ, कितना ग्रोथ आ रहा है, कितना जा रहा है, इसकी FCR निकालते हैं कि कैसे है, माइनस ले जा रहा है, प्लस ले जा रहा है, बस इसी हिसाब से इसका। जैसे ये चेक ट्रे लगी हुई है, चेक ट्रे में जैसे अभी छोटा बच्चा होता है तो 3 ग्राम फीड बढ़ता है, और अभी हम बड़ा है उसके हिसाब से 10 ग्राम KG के पीछे फीड डालते हैं। अच्छा, जैसे मान लिया 10 KG फीड डाल दिया तो 100 ग्राम चेक ट्रे में चला गया, चेक ट्रे लगा दी, चेक ट्रे 1 घंटे के बाद चेक करेंगे। अच्छा, 1 घंटे में समझ में आ जाता है क्या उसका पता? अगर एक चेक उठा लिया उसने 10 KG तो खत्म कर दिया। अच्छा, तो मान लो उसको फीड की रिक्वायर्ड और है। अच्छा अच्छा, अगर उसमें बच गया तो मान लो वेस्ट जा रहा है, उसको कम करो, अगर रोक लगाना, अगर पूरा पूरा है, थोड़ा बहुत है तो मान लो पूरा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो लगभग ये जो अपनी श्रिम्प फार्मिंग की फसल है कितने महीने की होती है?
ये लगभग इसको 120 दिन की कह सकते हैं, 120 दिन में सारा रेडी हो जाता है और सेल करने लायक हो जाता है। करने लायक हो जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया लगभग ये आपकी फर्स्ट लॉट पड़ा हुआ है, तो रेडी हो गया कि अभी रेडी होने में? रेडी होने वाला, लगभग बता दिए 3 महीने हो गए हमारे। अच्छा अच्छा। और हमने हमारा सर्वाइव अच्छा हुआ इसलिए हमने बीच में पार्सल भी करवाया, 30 क्विंटल माल सेल भी कर दिया, कल सेल किया। अच्छा, 40 काउंट का पार्सल किया है। अच्छा, थोड़ा मैं बच्चे के बारे में जान लेता हूँ, जब आपका सीड आता है तो कितने ग्राम का रहता है? ग्राम का नहीं होता, बिल्कुल अपना जीरा साइज होता है, जीरा। अच्छा अच्छा, वो साइज आता है बिल्कुल, एकदम छोटा सा बिल्कुल जीरा, मतलब जीरा ही जीरा, जीरा ही। हाँ। लगभग कितने ग्राम का तैयार हो जाता है ये रेडी झींगा? रेडी इसकी मतलब मान के चलते हैं 50 ग्राम को, पर 50 ग्राम बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा। जैसे ये मोल्ट करता है 15 दिन से अपनी, जैसे कांचली, जहाँ पर अपनी कांचली बोलते हैं ना, कांचली उतारता है, वैसे भी ये 15 दिन से अपनी कांचली उतारता है। अच्छा, तो बड़ा होता है, हार्ड होती है इसकी स्किन, वैसे इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। अच्छा अच्छा, ये मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, 30-35 ग्राम से ऊपर इसके रिस्क हाई हो जाते हैं। 30-35 ग्राम में रेडी हो जाता है? रेडी इसको मान लेते हैं कि न्यू फार्मर होते हैं सारे, होते हैं डर लगता है, इतना मोटा पैसा लगा हुआ, तो 35 ग्राम का करके इसको सेल कर देते हैं, रिस्क नहीं लेते। फिर हाई रिस्क हो जाता है, प्रॉफिट भी हाई हो जाता है, रिस्क भी हाई हो जाता है दोनों। अच्छा, इस समय आप फीड किस कंपनी खिला रहे हैं? आप फीड एबिस का खिला रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है एबिस का? नहीं, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे डॉक्टर है वो बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। अच्छा। हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी हम बोलते आते हैं। अच्छा, हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग फीड आपको किस रेट से मिल जाता है? 9300 रुपये क्विंटल। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आपको झींगा पालन? कभी आपको ऐसा तो नहीं लगता यार कि पंगेसियस का पालन कर लेते हैं या किसी कैटफिश का पालन करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धंधे से हटके काम है, बहुत बढ़िया काम है। मेहनत जितनी करोगे आप, 24 आवर्स ड्यूटी है इसकी। अच्छा अच्छा, डे नाइट। अच्छा अच्छा, 1 हेक्टेयर का 35 लाख रुपए खर्चा आता है। 1 हेक्टेयर का 35 लाख रुपए खर्चा आता है। 2 पौंड तो कम से कम करने होते हैं, 1 पौंड में कुछ बनता नहीं है। लगभग 3 महीने का आपका कल्चर हो गया, 1 साल का आपका फार्म ओपन हो गया, मतलब 1 साल से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई जो नए किसान भाइयों को आती है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में बताएं। कठिनाइयाँ मान के चलो, जैसे हमने बच्चा डाल दिया, 1.5 लाख डाला था, भी पता नहीं 1.5 लाख इसमें क्या है, पानी में पता नहीं चलता कितना बच्चा है। हमारे फीड एक्स्ट्रा गई कुछ। हाँ। बच्चा ग्रोथ नहीं लिया, रुक गया 15 दिन के बीच में, हमारी मान के चलो 0.5 ग्राम ग्रोथ आई। अब शेयर निकाले हम बहुत माइनस में भी गए बीच। हाँ। में क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। हाँ। और वो रुकी इसलिए कि बच्चा दादा था, भीड़ हो गई अंदर, ऑक्सीजन। अच्छा, की दिक्कत आने लग गई। हमने माल निकाला नहीं, नहीं था, डर थे कि निकाल दिया तो पता नहीं पीछे क्या बचेगा। मान के सबसे ये सुना था कि लगभग 80,000 बच्चा लगता है, 1.5 लाख डालते हैं तो 80-90,000 इतने सर्वाइव होता है, बच जाता है। हाँ, इतना बच जाता है के बाद। हाँ। अच्छा, तो हमने सोचा उतना ही होगा, उसके हिसाब से 200 बाई 200 में कोई ज्यादा नहीं है वो। अच्छा, बच्चे की काउंटिंग में दिक्कत आई यार कि पानी के अंदर कितना है, कितना है, क्या है। बहुत बड़ी समस्या आई, फिर डालते गए 15-20 दिन में मान के चलो 1 ग्राम ग्रोथ लिया झींगा। अच्छा। वैसे 7 दिन में इसकी 3 ग्राम ग्रोथ आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसने हमें 15-20 दिन में भी 1 ग्राम ग्रोथ आई। अच्छा, मतलब फीड बढ़िया खिलाया। हाँ, बढ़िया खिलाया, बढ़िया किया। फिर एक बार निराश भी हुआ, इतना बढ़िया कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले रहा है। फिर डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा आपका बच्चा ज्यादा, उन्होंने पहले भी बोला था ज्यादा है, हमने बोला भी हमने विश्वास नहीं किया उन पे भी, क्या कैसे ज्यादा नहीं हो सकता यार, क्या है, क्या पता चलेगा। फिर हमने निकाला बच्चा, पार्सल किया। अच्छा, पार्सल किया, उसके बाद बहुत बढ़िया ग्रोथ आई। अच्छा जी। तो इसका पालने का समय क्या रहता है कि साल में आप कितनी बार फार्मिंग कर सकते हैं? साल में हम ऐसे इसकी 2 बैच ले सकते हैं। 2 बैच ले सकते हैं। पी लाइनिंग में तो 2 बैच ले सकते हैं अगर। अच्छा, पी लाइनिंग क्या होता है? पी लाइनिंग कागज लगाया हुआ है तो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये जो आपने लगा रखा है प्लास्टिक, इसका लगभग कितने साल तक चल सकता है ये? इसकी 3 साल की गारंटी है। 3 साल की गारंटी है। वो अलग बात है, 3 साल तो कंपनी अगर बीच में फट जाए कर दे तो दोबारा देगी। अच्छा जी, किस रेट से लगभग सर सेल होता है झींगा? सेल काउंट के हिसाब से होता है। अच्छा, कैसे? जैसे काउंट होता है 40-50, जैसे 1 किलो, जैसे हमने 40 काउंट का सेल किया है, 40 काउंट का मतलब है 1 किलो के अंदर 40 पीस। अच्छा, 40 झींगा है। अच्छा। हाँ, वो काउंट होता है। रेट क्या है? रेट काउंट पे होता है, 40 काउंट का हमने जैसे 340 रुपए जैसे सेल किया है। 340 रुपए किलो। हाँ। अच्छा जी। हाँ। मतलब रेट बढ़िया मिलता है? रेट बढ़िया मिलता है, जैसे ऊपर जाओगे तो 45,000-50,000 क्विंटल तक भी मिलता है आपको। अच्छा अच्छा, 45-50 हजार रुपए क्विंटल भी मिलता है? 25 काउंट पे है ना, 25 काउंट पे मिलता है। 55,000 रुपए। अच्छा, मतलब जितना बड़ा हो गया उतना, बस मैं बोला ना हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है, जितना आगे जाओगे 35 ग्राम से ऊपर जाओगे। अच्छा, तो उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा और रिस्क भी बढ़ेगा। सर, आपने बताया झींगा फार्मिंग का 3 महीने का कल्चर होता है, तो उसमें से आपको कौन कौन सी दवाई डालना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको थोड़ा डिटेल्स में बताएं। दवाइयाँ और ध्यान रखने वाली बात तो ये, टाइम टू टाइम अपने एक तो रिपोर्ट होती है, पौंड के पानी की रिपोर्ट होती है, वो टाइम टू टाइम करानी चाहिए। अमोनिया हो गया, नाइट्रेट NO2 हो गया, नाइट्रेट NO3 हो गया, pH हो गया, और इसकी जैसे सेलिनिटी, विब्रियो लोड, इसमें एक बीमारी आती है, व्हाइट फिकल आता है,
इन सब की जैसे 15 दिन से हम रिपोर्ट भेजते हैं लाली। अच्छा, अच्छा। 15 दिन से अपने पौंडों के सैंपल भेजते हैं। अच्छा। उनमें सब कुछ आ जाता है, विकास आपका ओके है या नहीं है, या कुछ डालने की जरूरत है, रिपोर्ट के हिसाब से हम डालते रहते। जैसे रेगुलर हम 3 दिन से पोटास लगाते हैं 30-30 kg, और हर 4 दिन से मिनरल लगाते हैं 3-3, 4-4 kg, और प्रोबायोटिक लगाते हैं 300-300 ग्राम हर 3 दिन से। अच्छा, तो दाने में मिक्स करके देते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसका राइस पॉलिश वो उसका जो लिक्विड तैयार होता है उसमें भिगो के उसको तैयार करके 2 घंटे भिगो के रखे, फिर उसको उनको डालना होता है। अच्छा, और कुछ डालते हैं तालाब में जैसे पानी, जैसे ग्रीन ग्रीन जैसे हो गया है इसके लिए कुछ? हाँ, प्लैंटोन जैसे ये ज्यादा ग्रीन नहीं होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो इसके लिए भी ये दवाइयाँ यही है, मिनरल ये सही डालो, पैरामीटर अपने सही रखो तो सही रहेगा पानी। तो एरिएटर से क्या लाभ मिलता है तालाब को? ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजन के लिए लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, और मैं देख रहा हूँ आपके इस तालाब में कुछ ऑक्सीजन रूट्स भी लगा हुआ है, उसका क्या फायदा रहता है? यही तो ऑक्सीजन के लिए, किसी ने बोला कि हम तो नए रह गए, पहली बार काम किया है, इसने बोला उनको नाम है बलोर। अच्छा अच्छा, बलोर का ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, लेकिन बलोर का इतना रिजल्ट पंखे से बढ़िया नहीं है, तो हमने ट्रायल पे लिया, 2 लगा के देखे हुए हैं, इसका इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, पंखे और डाल रहे हैं इसमें। अच्छा सर, अगर कोई नया किसान भाई आपको देख के, वीडियो देख के अगर आपसे कॉन्टेक्ट करता है, आपसे कॉल करता है, बात करता है, सीखना चाहता है श्रिम फार्मिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसी करनी है, दाना कहाँ से लेना है, तालाब कितना बड़ा बनाना, बहुत बड़ी समस्या रहती है, अगर आपको कोई फार्मर कॉल करता है तो आप उसको बताएंगे सारा कुछ? हाँ बिल्कुल, रिस्पांस देते हैं हम, बिल्कुल नए हैं, क्योंकि हमें हमने बहुत से देखे, किसी ने रिस्पांस भी किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, तो हमें उस बात से गुजरे हैं कि हमें हमारे पास आता है तो हम बेस्ट से बेस्ट अपना बताते हैं। अच्छा अच्छा, हम अपना कोई सीक्रेट नहीं रखते। अच्छा, अपना आप सीक्रेट छुपाते नहीं? यार मैं नहीं बताऊंगा, हमें ये है कि किया है तो किसी हिम्मत होनी चाहिए किसी में करने की, कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको बना रखा है, बस होना चाहिए जुनून होना चाहिए करने का। अच्छा जी, किसान भाई आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाई कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी, आपने टाइम निकाल के सारा कुछ बताया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक यू जी।